ग्रह शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ये बेटा मेरे को तो उसमें यूट्यूब में मैं देखा, कई आयड आते हैं तो मैंने इनको ज्योतिष में देखा थे, तो मैंने कहा इनको बात करके देखें। मैंने फ़ोन मिलाया, इनका फ़ोन मिल गया और मैंने कहा जी ऐसे ऐसे मेरी परेशानी चल रही है, डेट ऑफ बर्थ बताई मैंने, तो उन्होंने तुरंत बता दिया कि भाई तुम्हारे पे तो मंगल की दशा चल रही है और बारहवें घर का मंगल और चंद्रमा बड़ा ख़राब होता है। तो मैंने कहा जी अब काम कैसे बनेगा, हम तो बड़े परेशान हो रहे हैं, 10 साल हो गए। उन्होंने तब बताया कि अब जब राहु की दशा लगेगी तब तुम्हारा काम। तो क्या गुरुजी के बताने से क्या आपके जो ये प्रॉब्लम थी ये सोल्व हुई? हाँ ये सोल्व होगी जी, तभी होगी, एकदम राहु की दशा लगी और राहु में इन्होंने गुरु बताया था कि गुरु आते ही तुम्हारे काम बन जाएगा, राहु में गुरु आते ही काम बन गया और अब मेरा काम इनकी कृपा से टनाटन चल रहा है। अच्छा तो हाँ। अगर गुरुजी से फर्स्ट टाइम मिले तो आपको कैसा लगा था मिलके, कि आपको लगा था कि गुरुजी आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं? नहीं कर भैया, ऐसे है कि हम जब आदमी परेशान होता है पता नहीं कहाँ कहाँ भागता है, हम जगह जगह भागे, कोई कुछ बताए कोई कुछ बताए, हमें समझ नहीं आ रही थी भाई इनके। फिर हमने देखा पॉइंट फ्यूचर पॉइंट से, तो इन्होंने कहा भी तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, आज हम तुमसे वादा कर रहे हैं। हमने कब जब इनका काम हमारा चल गया, अपने आप ही चल गया, पता नहीं चला कैसे बन गया। तो आपके हिसाब से गुरुजी? हाँ नहीं बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल हम बड़े सेटिस्फाई हैं और अभी तक बहुत उनकी कृपा से बड़ा काम में कोई कमी नहीं है। तो क्या आपने भी अपनी भाग्य कुंडली बनवाई थी बिना मतलब कैसे? मैंने तो फोन से ही बताया था इनको, इन्होंने फोन से डेट ऑफ बर्थ ली और फोन से इन्होंने मेरे आपकी जन्म कुंडली बना दी। हाँ जन्म कुंडली, तो उसी के हिसाब से आपको बता, इसीलिए विश्वास हो गया कि भाई मैंने तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ दिया इनको, इन्होंने कैसे मतलब निकाल दिया, हम फोन से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। तो क्या आने वाले टाइम में अपने परिवार की भी भाग्य दर्पण बनवाना चाहिए? हाँ बिल्कुल बनवाएंगे, जब हमारा काम अच्छा बन गया, हमारे क्योंकि सच्चाई बननी चाहिए ना, हमें कोई सच्चाई नहीं बता था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, हम तो ये परेशान हो गए जोश जोश से मिल मिल के। गुरुजी को प्रणाम। अरे प्रणाम प्रणाम, जय श्री राधे जय श्री राधे। गुरुजी आपसे मुलाकात हुई थी फोन पे मेरी और आपने मुझे बहुत अच्छा बताया, तभी मैं आपके पास मिलने आ गया। जी 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 जी, ठीक है जी। और जब मेरी मंगल की दशा लगी थी आपने मुझे सारा बताया कि मंगल बारहवें घर का खराब होता है। जी जी जी, और इसमें तुम परेशानी परेशानी चलेगी क्योंकि मंगल बैठा चंद्रमा के साथ। जी जी जी, और बारहवें घर में चंद्रमा मंगल खराब देते हैं फल। जी जी जी, और मैं सब जगह होया ही, बहुत जगह धक्के खाए मैंने, कोई मतलब बताया ना, बस अब बन जाएगा अब बन जाएगा। 10 साल हो गए जब मैंने आपसे बात करी, तो जब आपने मुझे बताया तो मेरे आपकी तरफ मन वो हुआ, आकर्षित हुआ कि मैं इनसे मिलूँ जाके, सारी चीज़ें सही बताई। जब राहू में और सबने लाई राहू, ये मेरी जन्म कुंडली देखो आप, ये देखिए ये चौथे घर का राहू है और सब कहते हैं खराब होता है। जी जी जी, ठीक है जी। और आपने कहा जी राहु में तुम्हारा काम बनेगा, मैं तो यही समझ नहीं पा रहा कि राहु में कैसे बनेगा, चौथे घर का राहु तो खराब होता है, कोई बढ़िया बता नहीं सकता। नहीं शिंटू जी, आप जो भी कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं, गलती किसी की नहीं है, ज्ञान की व्याख्या होती है, क्योंकि आपकी नंबर 2 वृक्ष लगन की कुंडली है और चौथे स्थान में राहु बैठा है। जी जी, हकीकत है कि चौथे स्थान का राहु माता को कष्ट परिवार को कष्ट दुख देता ही देता है, लेकिन आपने इससे आगे नहीं देखा। चलित में ये आपका राहु पंचम स्थान में आ गया, कन्या राशि में आ गया, जहां कन्या राशि में ये राहु उच्च का हो जाता है, शुभ हो जाता है, अच्छे फल देता है, इसलिए पंचम स्थान का राहु आपकी बुद्धि को शाप किया। जैसे आपकी मंगल की महादशा खत्म हुई, आपकी बुद्धि तीर हुई, इसमें ना मैं कुछ कर रहा हूं ना कोई कुछ कर रहा है, ये सब आपके मेरा बता रहा हूं, मैं सलाह दे रहा हूं, आप ही कर रहे हैं। जैसे आप बुद्ध राहु आया, आपकी मानसिकता प्रबल हुई और मानसिकता प्रबल होकर आपने कार्य करने का प्रयास किया और आपका दिन दूना रात चौगना, राहु वो ग्रह है जो रंग से राजा और राजा से रंग बना देता है। आपकी स्थिति किस स्थान पर पहुंच गई थी और आज स्थिति आपकी किस स्थान पे है, आप बता सकते हैं तो आप बताइए सबको। मैं गुरु जी यही तो पूछना चाह रहा हूँ जी, ये सबने मुझे चौथे देखो, मैं कभी किसी को गलत नहीं कहता, हर आदमी अच्छा करता है, संसार में कोई गलत है ही नहीं, हर आदमी का सोचने समझने का तरीका अपना अपना है, क्योंकि उन्होंने चलित कुंडली नहीं देखी, लाल किताब से शोभित कुंडली नहीं देखी। हमारे जीडी वशिष्ठ जी बताते हैं शोभित कुंडली के बारे में, बहुत कुछ बताते हैं, तो वो शोभित कुंडली के अनुसार आपका राहु पंचम स्थान में आ गया और पंचम स्थान बुद्धि का होता है, ज्ञान का होता है,
और आपकी जब बुद्धि तीव्र हो गई, बुद्धि में शार्पन आ गया, तो आप कामयाब होते चले गए। मैं यही तो कह रहा हूं, सब लोग नहीं बता पाते। चलो कोई बात नहीं, मैंने आपसे संपर्क किया, ये आपने मुझे जो बताई ना ये ऐसे ऐसे बातें, तो फिर मुझे लगा भी ये वास्तव में राहु तो वैसे तो खराब होता है, परंतु अब राहु जब से आपका राहु में गुरु आया होगा तो आपको बहुत तरक्की मिली होगी। बहुत तरक्की मिली, क्योंकि राहु में गुरु, देखिए राहु गुरु का चंद्रा दोष ही बनता है, लेकिन जब राहु और गुरु एक साथ हो जाते हैं, राहु तेज और प्रकाशवान और एक चतुर ग्रह है, और उसके अंदर जब गुरु का वास हो जाता है तो उसकी बुद्धि सत्मार्ग की तरफ प्रेरित हो जाती है। तो आगे कहीं दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं, आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब राहु में आपका सूर्य आएगा जी, तो आप इसके थोड़े से उपाय करना, क्योंकि राहु और सूर्य के आपस में बैर है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना, ऐसा कोई भी योग बना देता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसकी थोड़ी रेमेडी करवा लेना, थोड़ी पूजा करवा लेना, तो ईश्वर करेगा आपका सब अच्छा ही अच्छा होगा। मैं आपसे ये बोलता हूँ। नहीं पूजा अच्छा लगा जी, तभी तो मैंने कभी मैं पूछूं राहु सब खराब होते हैं। ग्रह राहु छाया ग्रह है, हकीकत है, शनि का वो है पार्ट है और अच्छा फल देता है, लेकिन अगर हमने अच्छे कर्म कर रखे हैं, ये ग्रह हमारे पिछले प्रारब्ध के अनुसार हमारे ग्रहों का फल देते हैं। तो आपका भले चौथे स्थान में है, लेकिन उसका पांचवें का फल दे रहा है जी। मैं वही, ठीक है जी, गुरु जी यही पूछना चाह रहा था, क्योंकि जगह जगह धक्के खाए। चलो जी, अब आपसे मुलाकात करी, बड़ा अच्छा लगा। नमस्कार, जय नमस्कार।